It's hard to breathe, but that's alright. Hush. ऑल राइट सो गाइस, मैं अभी उठा हूँ एंड मैं पहले इसके रूम में गया इसको उठाने की, क्योंकि और को दोस्त मेरा उठा नहीं था। सो हम दोनों आए अभी छत पे घूमने। ये है हमारी हॉस्टल की छत जो कि ऐसे दिखती है। अभी मैं पूरा व्यू दिखाऊंगा छत से। एंड अभी उठने के बाद मेरे को काम ये है कि मेरे को जाना है अपने रूममेट को जगाने, कि मैंने उसने प्रॉमिस करा था, प्रॉमिस के मतलब सोचा था कि हाँ हम सुबह उठ के वर्कआउट। बेचारे को मैंने जगा दिया जल्दी, इसलिए ऐसा करा गाइस। सो गाइस, ये है हमारी सहयोग की छत, ये पूरी ऐसे यहाँ तक। एक मिनट, ये पूरी हमारी हॉस्टल की छत है गाइस। एंड ये मेरे हॉस्टल के पीछे का व्यू है, पूरा खेत, सब खेती बाड़ी है गाइस, खेती बाड़ी। एंड यहाँ से जो ये है, इसके अंदर जाओगे तो एक और हॉस्टल आता है, सरस्वती हॉस्टल। एंड और दिखाता हूँ मैं, जब यहाँ से आगे की तरफ जाएंगे तो हमारा कॉलेज आता है। मैं सीधे गेट दिखाता हूँ अपने कॉलेज का। सो गाइस, ये जो सामने गेट दिख रहा छोटा सा, ये मेरे हॉस्टल का गेट है। इसके जब बाहर जाएंगे तो वो जो रास्ता दिख रहा है आपको सामने, वो वाला, हाँ वो वाला, तो उसके जब आगे जाएंगे तो हमारा कॉलेज का गेट आता है। कॉलेज गेट मतलब कॉलेज तो यही है, कॉलेज आता है। एंड वो जो सामने दिख रहा है वो एक और हॉस्टल है, वो एक और हॉस्टल बन रहा है, नवनीत हॉस्टल। सो ये है हमारे छत का व्यू। एंड हॉस्टल के अंदर का व्यू दिखाता हूँ गाइस मैं आपको। ये है हमारे हॉस्टल का व्यू। पहले पता नहीं कहाँ गया, हाँ गाइस। तो ये है, ये नीचे हमारी मेस है एंड ये पूरा स्पोर्ट्स हॉल है। स्पोर्ट्स हॉल की छत है ये, लोग कब कि यहाँ भी सोते हैं जब गर्मी होती है, यहाँ भी सोते हैं, फिर आज को नहीं सोए। एंड ये हॉस्टल का सामने का व्यू है, सामने तो पूरी घास ही घास और पेड़ वगैरह हैं। एंड वो आपको दिख रहा होगा हमारे कॉलेज का गेट, वो रहा, हाँ वो रहा। सो एंड वो सामने हाईवे है, ये रोड ऐसे जाता है द लवकुश है दूसरा हॉस्टल। दिस इज ऑल अबाउट द व्यू गाइस, बाय बाय। ऑल राइट सो गाइस, मेरे को अभी भी याद आया कि हितेश कॉलेज पहले मेरे को एक और काम करना है। कल हमको ना एक चिड़िया मिली थी, मतलब कबूतर मिला था, उसके साथ पंख टूटे थे एंड उसके पाँव में भी लगी थी, तो हमने उसको थोड़ी दवाई वगैरह लगाई जो हॉस्टल में रेंज हो पाया। एक्चुअली हमको रात में ही पता चला था ना वो, तो हमने उसको दवाई वगैरह लगाई एंड फिर उसको एक कमरे में रखा है, हमको वही कमरे में देखना है। और उसको चावल वगैरह भी था खाने के लिए, तो अब देखने जाना है उसका हाल कैसा है। तो चलते हैं गाइस, बाय बाय। ये पूरा खाली है, इसमें कोई नहीं रहता। एंड हमारा कबूतर कहाँ है, उसके लिए जो हमने रखा था वो तो ये रहा। एंड वो रहा अपना कबूतर भाई, मेरा कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा यार। वो रहा अपना कबूतर भाई, देखते हैं कैसा कबूतर। कबूतर भाई डर रहा है आराम से, सीरा वो कबूतर, इसको बाहर निकालते हैं। अच्छा अरे आ जा आ जा, सो गाइस अरे सही गाइस, डर रहा है बहुत। एंड हमने इसके लिए चावल भी रखे थे एंड शायद इसने बस पानी पिया है, पानी में गिरी गया है, चावल भी नहीं खाए, यानी हमसे बहुत डर रहा है। चलो चलते हैं, बाय बाय बाय। चलते हैं गाइस हितेश की दुकान, क्योंकि ये तो अब सुनीरा हमारी, चलते हैं बाय। ऑलराइट सो गाइस,
मैं अपने रूम में तो आ चुका हूँ, जगाता हूँ इसको। ये मेरी टेबल है, बहुत ज़्यादा मैं स्क्रेट है, ये इसकी टेबल है, इसको जगाते हैं, देखते हैं उठता नहीं उठता। बाय, तब तक के लिए बाय। मेरे साथ वर्कआउट करेगा थोड़ा, बट ये उठ नहीं रहा है। उठ जाओ, उठ जा। जिसको उठना नहीं था ये उठ गया। तो क्या नाचो मैं? Seconds late. All right, so guys, workout is done. अब हमको जाना है चाय पीने से, पहले मेरे को ब्रश करना है, यानी बिना ब्रश के चाय पीने जाएगा। तो चलते हैं, ब्रश करने के बाद सीधे चाय पीने पे मिलेंगे। बाय। So guys, ब्रश तो हमने कर लिया है, बस इतना नहीं करा है, हम दोनों ने कर लिया है। एंड हम लोग जाए चाय पीने। हम मैस में पी सकते थे बट हमारा मैस अभी खुला नहीं है, इसलिए हम जा रहे हैं बाहर चाय पीने। तो चलते हैं, बाय। अभी कबूतर सेट कर रहे हैं। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। ऑल राइट सो गाइस, वो सब। सो गाइस, फिलहाल मैं आ चुका हूँ अपने कॉलेज, बिकॉज मेरा अभी एक प्रैक्टिकल है वेब टेक्नोलॉजी का, एंड अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ है। एंड हमारे सारे दोस्त यहाँ पे रुके हुए हैं पीछे, हम वेट करें कब हमारे जो सर हैं शोभित सर वो आएंगे एंड प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। एंड वेट करते तक करते बाय। तो गाइस, ये जो है इसको प्रैक्टिकल से कुछ शर्ट पहले ही याद आया, किसी प्रैक्टिकल फाइल नहीं मिल रही है। प्रैक्टिकल आज होगा तो आज ही देख रहा ना, इतने इतने, इतने इतने अच्छे तो लोग हैं, इनको पता है इनकी फाइल कहाँ रखी रहती है, कितने अच्छे लोग हैं। प्रैक्टिकल आज है तो 10 दिन पहले तो चेक नहीं करूंगा फाइल में। नहीं, पर पता तो होना चाहिए ना कि फाइल कहाँ है तुम्हारी। मेरे पास नहीं गाइस। एंड हाँ गाइस, इसका भी चैनल है, इसका भी चैनल है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सब्सक्राइब कर देना बेचारे को। बात तो सही है, सब्सक्राइब कर देना गाइस। एंड इसका भी चैनल है गाइस, इसका भी चैनल है। सो गाइस, प्रैक्टिकल तो ओवर हो चुका, बस वाइवा बाकी है। एंड फिलहाल मैं आया हूँ हॉस्टल, बिकॉज मेरे को जाना है कहीं और, एंड वो कहाँ जा रहा हूँ मैं आपको बाद में पता लगेगा रास्ते में, मतलब चलते हैं बाय। ऑल राइट सो गाइस, ये जो आपको दिख रही है बड़ी बड़ी दीवारें, ये है फैजाबाद की जेल। एंड ये हम जा रहे हैं अभी फिलहाल कैंट के अंदर, हमको जहाँ जाना है वो आपको आखिर में पता लगेगा जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे, तब तक के वो आपके सरप्राइज है, तब तक आप बस टाइम लैप्स देखिए। चलते हैं बाय। तो गाइस, अभी हमारा बाकी है कितने 2.1 किलोमीटर, हमको यहाँ से सीधा जाना है। एंड सबसे ज़्यादा शक करता है इस गर्मी में ये रेड लाइट, ये तीसरी रेड लाइट है गाइस, तीसरी। परेशान हो गया हूँ, एक तो इतनी धूप है, देखिए इतनी धूप है, ऊपर से ये रेड लाइट में इतनी देर खड़ा रहना पड़ रहा है। People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a light. All right, so guys, फिलहाल हम गए थे कैंट और कैंटीन, बिकॉज मेरे को कैंटीन जानता है और मेरे कुछ दोस्तों को सामान लेना था, मेरे को भी सामान लेना था। चलते हैं बाय, बाय बाय देने जा रहे गाइस बाय। ऑल राइट सो गाइस, हमारा बाय बाय डन हो चुका है एंड फिलहाल अब हम जा रहे हैं। एंड बाय बाय में हमारे लग चुके हैं, बाय बाय में हमारे लग चुके हैं। नहीं कहेंगे पूरे प्रॉपर नहीं लगे हैं, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन हमेशा तुम्हें पता है जो सबसे अच्छा होता है वो हमारे साथ होता है, हमारे लगते ही है एक्चुअली। एंड हाँ, एक क्वेश्चन ये है कि बहुत से लोग मेरे से कमेंट करके पूछते हैं या मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं कि यहाँ की प्लेसमेंट क्या है, तो अब भाई बताएंगे भाई यहाँ की प्लेसमेंट क्या है। प्लेसमेंट गाइस, जो भी आते हैं सबका हो जाता है, 4th ईयर तक आते सब इतना स्टेबल हो जाते हैं, सीनियर से जानबूझ के प्लेसमेंट सबका हो जाता है 80-90%। बट ऑफ कैंपस, एज यू नो दिस इज अ गवर्नमेंट कॉलेज, सो यहाँ पर कोई भी कंपनी नहीं आती है और कोई इनका इन कैंपस कोई प्लेसमेंट नहीं रहता है, सारे बच्चों को खुद अपनी तरफ से ऑफलाइन प्लेसमेंट मिलता है, मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती, सब मिल जाता है, बट मिल जाता है गाइस, समझ रहे हो ना, समझ गए ना, ऑल अबाउट प्लेसमेंट, सब इसी बारे में पूछते हैं। ऑफ कैंपस सबको मिल जाता है अगर आप मेहनत करेंगे, एंड कॉलेज पर डिपेंड रहना भी चाहिए क्योंकि कॉलेज मैटर नहीं करता है,
मेरा तो ये मानना है। दोस्त बनाओ यार, अच्छे दोस्त रहेंगे जैसे, तो वो आपका हेल्प करा देंगे, रेफरेंस मिल जाता है, सबका हो जाता है। बहुत धूप है, अब चलते हैं सीधे रूम पे मिलेंगे गाइस, बाय बाय। So I hope you guys enjoy the video. If I did, make sure to subscribe my YouTube channel. And हमारा कैंटीन का फ्रेंड इसलिए खराब है क्योंकि जैसे हम कैंटीन जस्ट कैंटीन के गेट के बाहर पहुंचे तभी हमारे दोस्त का कॉल आया कि वाइवा स्टार्ट हो गया है, तुरंत हमको निकलना पड़ा, समझ रहे हो, कैंटीन के जस्ट बाहर गए तुरंत आ गए, पता नहीं कब जाने का मौका मिलेगा। हाँ चलते चलते गाइस। एंड हाँ एक और, बहुत से लोग मुझसे पूछे थे इस कॉलेज का रिव्यू क्या है, कैसा है इसकी प्लेसमेंट, सो आपको एक एक स्टूडेंट से रिव्यू करना है, ठीक है। चलेंगे अब यहाँ की प्लेसमेंट कैसी है भाई, एक नंबर प्लेसमेंट रही है यार। क्या बोला तूने? सो ये प्लेसमेंट है यहाँ की, दो नंबर का भी नहीं है, प्लेसमेंट तो कोई नंबर ही नहीं है। अब दूसरे भाई यहाँ की प्लेसमेंट कैसी है? मेरी शक्ल से पता लग रहा है ये तो टट्टी है, देख ले इसकी शक्ल से पता लग रहा है गाइस। नहीं सो गाइस ये प्लेसमेंट है आपकी, सब इस पे डिपेंड रहते हैं, इस पे चैनल पे अपने, यस एंड इसका एंड ये अपने गिटार पे डिपेंड रहता है, ये सड़कों पे गिटार बजाएगा एंड मैं दूसरों के कौनों पे डिपेंड रहता हूँ। वाओ वेरी डेंजरस। एंड हाँ मैंने इसका चैनल बताया नहीं, करता क्या है तो बता दो यार। मेरा चैनल है लैपटॉप और फोन का रिव्यू करने के लिए, और लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसके बारे में आपको अपडेट करने के लिए, आपकी थोड़ी सी हेल्प करने के लिए मैं अपना सर्च करके आपको समअप करके दे देता हूँ। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी सब्सक्राइब करो यार भाई, अपना सब्सक्राइब करो, नाम है चैनल का मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, सब्सक्राइब करो। और ये मैं सस्ता शॉर्ट आउट देते हुए चलो चलते हैं गाइस, बाय। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबा कर लाइक और शेट ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।